जिस तरह से बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, उसी तरह से हिंदुत्व के पोस्टर गर्ल हैं नौक्षम चौधरी, जो दलित चेहरा भी हैं और गोली भी चलाना जानती हैं और जहीदा खान को हराकर आई हैं कामा से। नौक्षम जी, आपने तैयब हुसैन और जहीदा खान एक बड़ा नाम हराकर लौटी हैं। जी देखिए, ये पहली बार हुआ है 75 सालों में कि कामा में किसी समुदाय का चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस पूर्व में क्या करती थी कि हिंदू मुसलमान का चुनाव करा देती थी। ये पहली बार 75 सालों में हुआ है कि 36 बिरादरी ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है और जनता का भरपूर समर्थन मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, नेतृत्व है, वो भरपूर रूप से भगवाई रूप से ब्रज भेवात में फैली हैं और उसका ये परिणाम है कि जो जब आप आई हरियाणा से तो लोग कह रहे थे कि अनजाना सा चेहरा है, कैसे जीत पाएंगी, मंत्री हैं, ये कैसे कर पाई आप? ये जनता का समर्थन, जनता ने बड़े जोश से, हौसले से, उत्सव से इस चुनाव को लड़ा है। सभी समुदायों ने एक होकर इस चुनाव को लड़ा है। और ठीक है, वो मंत्री थी, तालीम मंत्री थी उस टाइम, सिटिंग विधायक के साथ साथ मंत्रालय भी था, पर एक जनता में आक्रोश था कि आपने 100 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। आज भी हम मेवात में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में माने जाते हैं पूरे राजस्थान में, तो मेवात की मैं बेटी हूं, तो मेरा अपना क्षेत्र था, तो आप सभी का साथ मिला, जनता का साथ मिला, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी है। वो गोली चलाने वाला बयान काम आया? फिर बता रहे हैं, जिन्होंने एक तो कट कॉपी पेस्ट किया उनको धन्यवाद करते हैं, काफी समय लगाया होगा उन्होंने बयान को। दूसरी बात ये है, चलाती हैं आप, दूसरी बात बता रही हैं कि मेवात की मैं बेटी हूं, मेवात की हिफाजत करना, सुरक्षा करना, अपने एक एक साथी की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। अच्छा, आप बात कर रही थी तो पीछे भगवा भगवा के भी नारे लग रहे थे जी, तो ये भगवा का कलर भी कामा में दिखेगा? भगवा की खुशबू दिख नहीं रही आपको कामा में? और कैसे दिखेगी, आप 14,000 से लीड ले रहे हैं और कैसे दिखेगी? भगवा की खुशबू तो पूरे पूरे देश भर में महक रही है। कहा जा रहा है नौक्षम चौधरी भी डार्क हॉर्स हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार नए चेहरों को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं पार्टी का बड़ा समर्पित कार्यकर्ता हूँ, समर्पित हूँ, डेडिकेटेड हूँ, शिद्दत से पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। मेरे लिए यही जिम्मेवारी बहुत है कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। किसे आप मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? जो आपके राजस्थान को खूबसूरत बनाए रखे, तहजीब को और खूबसूरत सुंदर बनाए रखे, इसकी संस्कृति को बरकरार रखे और इतना विकसित बना दे कि पूरे विश्व में आप एक उदाहरण पेश कीजिएगा कि राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री बने जिन्होंने राजस्थान को इतना विकसित बना दिया है, उसको हम उन पर आला कमान। इतनी नाराजगी मंत्री के खिलाफ क्यों थी वहां की, इस तरह से हार हुई उनकी? चोरी, डकैती, दलाली, कमीशनखोरी, तानाशाही, जंगल राज, पारिवारिक हुकूमतें, 100 साल की आजादी मिली है ये ब्रज मेवात को भाजपा के कमल से, आजादी में वसीला बन के निकला है भाजपा का कमल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत कम हिंदू जीते हैं, 4 हैं, अब 5वीं हो गई, वो एक तरह से मुस्लिम दबदबे वाला इलाका है जी। कैसे कर पाएंगे? जनता का समर्थन, जनता का जोश, हौसला, सभी समुदायों का समर्थन, भाजपा की नीति रीति, भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिन रात काम करना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की योजनाओं को गली गली तक पहुंचना, सभी का एक प्रणाम है मिलजुल कर, और आदेश कीजिए। ये कहा जाता है कि नौक्षम जिस तरह से ड्रेसअप होती हैं, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा उनसे जुड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरह से? देखिए, मैं मेवात की बेटी हूँ, मेवात की रहने वाली हूँ, तो जो मेरा पहनावा है, जो मेरी बोली है, वो मेरी पैतृक है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। और ब्रज मेवात आपके पास भी है, तो उससे चुनाव लड़ा है हमने, तो हमारे लिबास, जबान जो है, वो हमारी पैतृक है, क्योंकि मेवात के रहने वाले हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, नौक्षम चौधरी हैं जो कह रही थी कि जिस तरह से वहां पर जहीदा खान के खिलाफ नाराजगी थी, उस नाराजगी की वजह से वो जीत दर्ज की। हालांकि दलित चेहरा हैं, लंदन से पढ़ी लिखी हैं और अपने दबदबे भरे बयान से बहुत कम समय में वहां पर अपनी लोकप्रियता हासिल की है। सामान्य
बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर कल शाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था, अरुण सिंह और सीपी जोशी यहां आप पर आए हैं, यहां पर बीजेपी मुख्यालय में काफी भीड़ हो गई थी, तो बगल में एक जगह बैठकर मिल रहे हैं विधायकों से, एक रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ नौक्षम चौधरी हैं जो जाहिदा खान को हराकर आई है और मेवात में इनका बहुत बड़ा नाम है। बहुत छोटे से समय में आपने हरियाणा से आकर यहाँ पर मंत्री को हरा दिया जी।